नमस्कार दर्शकों, बंधन समाचार में मैं हूं आपके साथ रचा वर्मा। और अब हम बात करते हैं जिला बिजनौर के नजीबाबाद की। नजीबाबाद में एक ट्रक और कार के बीच भिड़ंत हो गई, जिसमें एक युवक की मौत हो गई, वहीं 5 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। बता दें कि कोटद्वार से एक ट्रक नजीबाबाद की ओर आ रहा था, वहीं नजीबाबाद से एक विस्ता कार कोटद्वार की ओर जा रही थी। अचानक ग्राम जट्टीवाला में दोनों की आमने सामने की जोरदार टक्कर हो गई। टक्कर इतनी भयंकर थी कि कार में सवार 6 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए, जिसके बाद पुलिस को सूचना दी गई। सूचना मिलने पर नजीबाबाद पुलिस क्षेत्राधिकारी गजेंद्र पाल सिंह, क्राइम इंस्पेक्टर अर्जुन सिंह, थाना प्रभारी राधेश्याम तुरंत मौके पर पहुंचे और घायलों को नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया, जहां सुखजीत सिंह निवासी जट्टीवाला को मृत घोषित कर दिया गया। वहीं 2 घायलों को बिजनौर और 1 घायल को मेरठ के लिए रेफर किया गया। घटना के बाद ट्रक ड्राइवर मौके पर ट्रक छोड़कर फरार हो गया। पुलिस ट्रक ड्राइवर की तलाश में जुटी है। पुलिस क्षेत्राधिकारी गजेंद्र पाल सिंह ने जानकारी देते हुए बताया, सर ये जो आज हादसा हुआ है कोटद्वार रोड पर बढ़िया पर, इसके बारे में थोड़ी सी आपसे जानकारी लेनी थी। आज ये करीब 1 घंटा पहले हादसा हुआ है बढ़िया रोड पर। एक ट्रक कोटद्वार की तरफ से आ रहा था और इधर से नजीबाबाद की तरफ से एक कार जा रही थी, जिसका था आपस में ये आमने सामने दोनों टकराई हैं। कार में जो सवारी जो मौजूद थी वो पास के ही गांव की जट्टीवाला की थी, जिसमें एक व्यक्ति मृत्यु हो गई है और बाकी के हेड इंजरी हुई है। उनको 3 को रेफर कर दिया गया है और 2 अभी जो हॉस्पिटल इलाज चल रहा है वो ठीक है और संभवतः वो यहीं पर इलाज चलेगा। ये ट्रक वाले की कंडीशन, ट्रक खड़ा हुआ है, ट्रक वाला ड्राइवर भाग गया हुआ है और उसको भी ट्रेस करेंगे, कौन ड्राइवर था कौन नहीं था उसके नाम का ठीक है। और इसी के साथ जुड़ रहे बंधन समाचार के साथ।